Assalamualaikum everyone once again welcome back to my youtube channel absolutely you the very well and fantastic guys so guys you are the very lucky that we are going to learn the very special lesson for you different lesson. today we are going to discuss about a parts of speech first part of speech that's called a noun Just on, because many students confuse in this topic and both are students because kinds of nouns

और आपके माइंड में बहुत अच्छी नॉलेज आएगी आज की है सो लेट्स बिगिन लेफ्टिगिन नंबर वन में लिखा है नाउन सबसे पहले नाउन होता क्या है ठीक है उसके बाद हम सीखेंगे एज एज नाउन से, नाउन नाउन सर ये क्या होती है ये तो हमने कभी सुने ही नहीं डोंट वरी गाइस आज मैं आपको बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एक्सप्लेन करवाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट ये तो जरूर सुना होगा ये थोड़ा सा कॉन्क्रीट ये क्या होता है सर ये भी क्या होता है चलो जल्दी जल्दी हम सीखाएं सर हम सीखना चाहते हैं सो चलो स्टार्ट करते हैं नाउन डेफिनेशन तो बिल्कुल कॉमन वैसे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड किसी भी नेम के ऊपर नाम हो आपका नाउन होता है बट मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है ये एक्सप्लेन करवाने के लिए आप सबको मैंने लिखा है कि इट इज नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, आइडिया, आईडिया एंड एनिमल बस आप ये five words याद कर लें जिंदगी में नाउन नहीं बोलेंगे the okay? दुनिया में जो भी आपके पर्सन है बस वो नाउन है ना आपके प्रोनाउन होती, ना ना आपके ऑब्जेक्टिव होती कुछ भी नहीं होता सिर्फ आपके जो पर्सन है वो आपके नाउन होते बस ये आपको कहीं पर भी कोई भी अगर कोई भी चूज द नाउन कभी कभार होता है ना वहां पर मिक्स पास ऑफ स्पीच होते हैं तो हमें कहा जाता है चूज़ इन में से आप, तो आपको सिर्फ करना क्या होगा? कोई भी वहां पर वर्ड हो तो आप हंड्रेड परसेंट है अगर person, अब क्या होते हैं वेरी सिंपल कोई किसी भी शख्स के नेम पर्सन आपके हो गए अली हो गया आपका हो गया ठीक है आपका हो गया वखार हो गया ठीक है ठीक है इनमें से कोई भी अली वकार आयशा माया ये आपके पर्सन होते हैं जो आपके आ, नेम्स होते हैं रिमेम्बर दैट ये आपके पर्सन प्लेस प्लेस हाँ ना प्लेस जगहों के नेम्स में जो आपकी जगह ठीक है घर आप जैसे कहते हैं हाउस हो गया स्कूल हो गया ठीक है ग्राउंड हो गया ये आपके सारे के सारे जो भी नेम्स प्लेसेस होती हैं ठीक है थीके, पार्क हो गया ठीक है पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया ये प्लेसेस होती है ये आपके क्या है नाउस होते हैं ठीक है प्लेसेस में आपके कोई भी आप दे सकते हैं ठीक है पार्क हो गया आपका ठीक है कोई भी आप पार्क हो गया बिलाल पार्क हो गया ठीक है कोई भी प्लेस हो गई ठीक है आपका आपका कराची हो गया लाहौर हो गया

ठीक है ब्रेवरी बहादुरी आई ब्यूटी खूबसूरती ये आपका नाउन है वो आइडिया में आता है ठीक thing, है उसके बाद थिंग्स बेजान चीजें होती हैं जो आपकी चीजें होती हैं चीजें मतलब फैन मार्कर बोर्ड चेयर बुक ये आपके थिंग्स में आते हैं ठीक है उसके बाद एनिमल एनिमल दुनिया में जो भी आपके एनिमल है जिसको आप जानवर कहते हैं लाइन हो गया गौत हो गया ठीक है डॉग हो गया ठीक है यू कैन से लाइन हो गया ठीक है Uh, हो गया ये आपके नाउन्स होते हैं रिमेम्बर को इन फाइव वर्ड्स को याद कर ली जिंदगी में कभी भी नाउन नहीं बोलेंगे अब ये जो फाइव वर्ड ये तो डेफिनेशन अब हमें किसे पता चले अब हमें किसे पता चले कि अली को नाउन तो है बट कौन सा काइंड है साइजा नाउन भी तो होती है ना कौन सा ठीक है पार्क नाउन थे है वो कौन सा है ब्रेवरी नाउन तो है वो कौन सा है ठीक है ठीक है है इन थिंग पेन नाउन नाउन तो 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 ही कौन Book, noun, तो ही कौन कौन सा सा बुक तो, की भी हमें बहुत नीड होती है इसलिए मैंने कहा कि काइंस ऑफ नाउन मैंने यहाँ पर फोर काइंस ऑफ नाउन लिखे हैं आज के लेक्चर में दूसरे लेक्चर में मैं और आपके कांस ऑफ नाउन लेकर आऊंगा आई विल टीच यू अबाउट फिफ्टी ठीक है अराउंड फिफ्टी मीनस फिफ्टीन तक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसको आप 15 तक दिए चलो देखते हैं एजन नाउन अब एजन नाउन क्या होता है अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे या आप किसी क्वेश्चन करेंगे हाँ ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं जॉन वरी आज के बाद आप ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि नाउन वो होते हेल्प ऑफ सफिक्स इज ई आर आर एन आई एस टी ये, ये क्या हो गया मीन्स वो नाउन जो आप वर्ब से बनाते हैं बस अपने माइंड में ये रखना है नाउन दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब वो नाउन जो आप कैसे बनाते हैं वो से बना दे विद हेल्प ऑफ सफेक्स सफेक्स की मिक्स मीनिंग uh, होती है एंडिंग क्या होती है एंडिंग एंडिंग पार्ट एंडिंग पार्ट के किसके जरिए ई आर लगाने से जरिए ओ आर आई एस टी ये तीन वर्ड ई आर ओ और आई एस टी लगाकर हम वर्ब से नाउन बनाते हैं यो आपका ये आपका एज नाउन कैसे सर वर्ब से नाउन दरी? जरा हमें बताएं वेरी सिंपल मैं यहां पर लिखूंगा देखिए ये आपका वर्ड है टीच टी एस एच टीच वर्ब है पढ़ाना पढ़ाना या सिखाना ठीक है ये आपका वर्ब है पर हम बनाना चाहते हैं इसे नाउन हम लगाएंगे आखिर लास्ट में e तो भर गया आपका टीचर हमने e लगा, e क्या हमने नाउन बनाया टीचर आपका नाउन हो गया तो ये कौन सा नाउन हुआ आपका एजर नाउन क्योंकि हमने वर्ब से नाउन बनाया एक और एग्जाम्पल चलो मैं बता देना डायरेक्ट या एक्ट भी होता है डायरेक्ट

पेंट करना नहीं होते जो पेंट करते हैं किसी की पिक्चर बनाते वो आर्ट वर्ब होता है बट हम इसका आई एस टी लगाकर हम बना देते हैं आई एस टी आर्टिस्ट जो पेंटर होता है जो पिक्चर्स बनाता है ना तो हमने एजे नाउन वो सीखा ऐसे होता है उसके बाद एन थी मेरा नाउ सर एम तो हमने कभी सुना ही दैट इज बोथ वर्ब आल्सो नाउन सर एक ही वर्ड नाउन हो वर्थी मेरा नाउन होते हैं वो वर्ब वो वर्ड जो वो नाउन भी हो वो भी हो वो नाउन की भी मकसद दे रहा हो नाउन की भी मीनिंग दे रहा हो वो की भी मीनिंग दे रहा कोर्स वेरी सिंपल मैं आपको बताने जा देखिए यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसके गाइस डब्ल्यू ए टी सी एच मैंने लिखा वॉच वॉच हाँ वर्ब होता है ना ये देखना ही वॉच की मकसद क्या होता है जिसको आप घड़ी भी होता है देखिए एक ही वर्ड है एक ही वर्ड है इसकी मीनिंग वर्ब की भी आ रही है एक्शन की भी आ रही और वाच मींस देखना भी होता है वाच मींस घड़ी भी होती है आपका एनथी मेरिया नाउन हो गया ठीक है आप कि वो कौन सा वर्ड होता है वो कौन सा वर्ड है वो कौन सा काइंड ऑफ नाउन होता है जिनकी जो नाउन भी होता है वर्थ भी होता है तो आप क्या कहेंगे एनथी मेरिया, मेरिया नाउन होता है एक और एग्जांपल बहुत सारे हैं गाइस डोंट वरी आपका एग्जांपल एग्जाम्पल क्वेश्चन क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका होता है सवाल क्वेश्चन मतलब सवाल करना यू कैन क्वेश्चन मी आप मुझे सवाल कर सकते हैं ही मी क्वेश्चन उसने सवाल पूछा ठीक है तो क्वेश्चन मतलब सवाल भी होता है क्वेश्चन मतलब सवाल पूछना भी होता है ये सो so, नाउन वो होते हैं वैसे वो वर्ड्स ठीक है जो नाउन भी होते हैं वह भी हैं। जो नाउन की मीनिंग भी देते हैं वो आपकी मीनिंग भी देते हैं होप सो आपको गाइस समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस लाइक कीजिए क्योंकि मैं आ, देने वाला बहुत सारे जबरदस्त वीडियो नाउन हाँ, हाँ वो होते हैं ना जो हमारे से रखते जो हमारे माइंड से ताल्लुक रखते वो आपके होते हैं, होते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए ताकि आप जिंदगी भर समझ ताकि जिंदगी में कभी कंफ्यूज ना हो बस फाइव वर्ड इनको भी ये फाइव वर्ड है बस याद रखना है आपको आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं भूल पाएंगे कह रहा है वो वर्ड जिनको आप ना देख सके कभी किसी मीन अगर जिस चीज को आप देख नहीं सकते वो आपका एप्रिक नाउन होता है बस बेफिकर होकर उसको आप कह सकते हैं उसके बाद टचिंग जिसको आप टच भी ना कर सके जिसको आप टच भी ना कर सके ठीक है जिसको आप सुन भी ना सके जब आप कोई चीज सुन नहीं सकते तो आपका ना होता है स्मेलिंग जिसको आप सुन ना सके स्मेल ना कर सके उसके बाद टेस्टिंग जिसको आप टेस्ट भी ना कर सके जिसको आप टेस्ट भी ना कर सके ठीक है बहुत सारी चीजें ना आप आप टेस्ट टेस्ट करते हैं, बट उसको आप टेस्ट नहीं कर आपका नाउन होता है। hey, word, seeing, touching, hearing, तो वो आपका हंड्रेड परसेंट एब्रैक्ट नाउन है बस बेफिक्रे गाइज ठीक है तो चलो वो भी उसके एग्जाम्पल भी सीखते हैं, हैं जिंदगी में कभी भी नहीं बोलेंगे यहां पर मैंने कहा

सिर्फ ठीक है तो ये आपका पेन क्या होता है आपका एप से नाउन होता है उसके बाद दूसरा वेरी सिंपल एल ओ वी लव आप लव को देखते हैं अगर देखते हैं तो पता नहीं क्या होता हो जाते हैं आप लव को हम नहीं देखते हैं सर हम आप इसको टच तो करते होंगे हाँ टच तो कभी कभार क्या होगा नहीं सर कुछ भी नहीं करते तो ये आपका लव एप से नाउन होता है दूसरा एच ए पी आरई हैट्रिड नफरत को देखते हैं आप अगर आप नफरत को देखते हैं पता नहीं क्या करते आप उसका यूनोवरिवियर तो हम इन चीजों को नहीं देखते ना हम इनको टच करते हैं तो उन वही होते हैं जिनको आप ना देख सकते हैं जिनको आप ना टच कर सकते हैं जिनको आप ना किए तो दिस इज अ डेफिनेशन जस्ट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन अगर आप इस इन वर्स को सीइंग टचिंग हियरिंग स्मेलिंग टेस्टिंग इन वर्ड को समझ जिंदगी भर आप नाउन को नहीं बोलेंगे गाइस चलो देखते हैं खांकरी नाउन इसकी डेफिनेशन कहा है इस कुछ भी नहीं लिखा गाइस मैंने इसने लिखा कि दिस इज वेरी ट्रिकी बहुत ही कंक्रीट इज अपोजिट टू ऑब्सटेक्ट

ठीक है स्मेल भी कर सके सुन भी सके वो कंकी नाउन तो वो नाउन होते हैं यही ना एग्जाम्पल वेरी सिंपल पीई एन इसको देखते हैं ना मार्कर हाँ देखते हैं टच भी कर रहे हैं तो आपका नाउन हो गया ठीक है उसके बाद दूसरा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं गाइस बुक जिसको आप देखते हैं बुक को देखते हैं ना टच भी करते नहीं हम इसको टच नहीं करते देखते नहीं देखते हैं सर ये चीज है तो ये आपका हो गया नाउन सो so, ये होता है और ऑप्शेक नाउन होता है ऑप्शेक वो होता है जिनको आप ठीक है ना देख सके ना टच कर सके ना हेयर कर सके और कंक्रीट वो होता है जिनको आप टच भी कर सके एक और एग्जाम्पल स्टार मोस्टली आप शायद आप सी स्टार स्टार को देखते हैं आप हाँ सर देखते हैं बट हम टच तो नहीं करते न, तो ना तो आपसे हो गया ना ये कंक्रीट तो नहीं होगा ना कंक्रीट ही होगा क्योंकि इसमें एक सेंस आ गया ना देखने का सेंस आ गया तो आपका कंक्रीट हो गया चाहे आप उसको टच नहीं कर पा रहे बट देख तो पा रहे ना ये भी आपका खान खीना होता है तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब दिस वीडियो सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में टेक देखिए